तो निश्चित है कि उस अलहर छोरी को हम एक आदर्श बहू बना के छोड़ेंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तुम लोगों ने ये जो घर के नियम कायदे कानूनों की सूची बनाई है उससे हम सहमत हैं। लेकिन हाँ, एक बात, सुबह 5 बजे के बजाय 4 बजे लवली उठेगी। ये लो, अब जाकर लवली को दे दो। हाँ, मगर एक बात याद रखना कि वो ये लिखे हुए नियम और कायदे कानूनों का पालन करती है या नहीं। अगर ये सब नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही आप लोगों की होगी। हाँ? जाओ। लवली, मैं तो अभी भी तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें माँ की बात सुननी चाहिए। कार्तिक, मेरा लॉजिक दूसरा है। मासा कौन है? मेरी सास। लेकिन अम्मा सा मेरी सास की सास, तो बड़ा कौन हुआ? अम्मा सा ना, तो बस मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी। लवली देखो, तुम्हें ना सॉरी अगर हम लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है, लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। नहीं, वो बस, लेकिन वो बाद में भी हो सकता है क्योंकि हमें उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है लवली से। कहिए ना भाभी, क्या डिस्कस करना है? ये देने आए हैं दिनचर्या की सूची। दिनचर्या मतलब? दिनचर्या मतलब सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक तुम्हें क्या काम किस वक्त करना है। yes. ये सब इस लिस्ट में लिखा है, अच्छे से पढ़। बिंदेश्वरी जी, अपनी छोटी बहू के लिए नियम कायदे बनवाने के पश्चात आप काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि उस बच्ची में परिवर्तन आएगा? हाँ सा, हमें लगता है कि हमारी चारों बहुओं के इस सांचे में ढलकर जब वो बाहर निकलेगी तो वो एक नए रूप में ही होगी। अरे तो क्या आप अपने सारे काम धाम छोड़कर 24 घंटे अपनी बहू की गतिविधियों पर आंखें गड़ाए रहेंगी? सा, हमें 24 घंटे लवली पर निगरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये काम हमने अपनी बहुओं को सौंप दिया है। चलिए भाई, ईश्वर करे कि आपकी योजना कारगर साबित हो। हाँ सा, हमें अपनी बहुओं पर पूरा भरोसा है, वो अपनी इस देवरानी की कायाकल्प जरूर कर देंगी और कल सुबह से ही लवली की ये दिनचर्या शुरू हो जाएगी। हमें मालूम है ये उसके लिए काफी कठिन होगा। क्यों कर रही हैं? आप तो जानते हैं ना सा, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कितना गर्व था, लेकिन अम्मा सा के कारण अपने ही हाथों हमें इसकी धज्जियां उड़ानी पड़ी। खुद की और दुनिया की नजर में हम गिर गए थे। सच में सा, ये छोरी तो हमारे लिए चुनौती है, चुनौती। अब आप देखना सा, इसे कैसे इस घर की परंपराओं के अनुसार जीना पड़ेगा, क्योंकि बिंदेश्वरी के सिद्धांतों को कोई भी नहीं हिला सकता। 4 बजे जागना है, 5:30 बजे तैयार हो जाना, 6 बजे मंदिर में पूजा के लिए पहुंचना है, और सुबह 7 बजे गहना बहू के साथ खाना बनाने में मदद करना।
आप हंस क्यों रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। 7:30 बजे तक निमी भाभी के साथ सभी बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। 8 बजे तक सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाना है और सुबह बेटी नहीं मिलेगी। अपने कमरे की सफाई खुद करनी है और अरे तुम रुक क्यों गए? आगे पढ़ो, अभी रूल लिस्ट खत्म नहीं हुई, ये तो बस बिगिनिंग है। अपनी जेठानियों को घर के सारे काम करते हुए ध्यान पूर्वक देखना है और धीरे धीरे सीखना है। परी निम्मी भाभी, ये तो पढ़ नहीं पा रही है, करेगी कैसे? ट्रेनिंग पीरियड, प्रशिक्षण अवधि यानी ट्रेनिंग पीरियड। प्रशिक्षण अवधि कल से शुरू होगी और पहली गुरु होगी रिया बहू। जो कौशिक परिवार की बहू की तरह रहन सहन, उठना बैठना, बातें करना सिखाने के साथ पहले हफ्ते के सभी काम बताएगी, समय से जगाएगी और आरती के लिए मंदिर भी लेकर आएगी। इतना ही नहीं, आरती कैसे की जाती है वो भी समझाएगी। ये इतनी जल्दी 4 बजे कैसे उठेगी? 5 बजे उठने में तो मेरी बहन बचती। लवली के आगे अपनी कमजोरियां इस तरह दिखाओगी तो उसकी गुरु कैसे बनोगी? तुम्हारी एक नहीं सुनेगी वो। चुप। हाँ। ओके। मॉर्निंग में टाइम पर उठ जाना, हमें देर से आना बिल्कुल पसंद। अगर इस रूल लिस्ट के दिनचर्या अगर इस दिनचर्या के किसी नियम का पालन में नहीं कर सकी तो क्या होगा? अगर तुमने कोई भी गलती की तो उसकी सजा रिया को मिलेगी और सजा क्या होगी ये सिर्फ मासा तय करे। देखिए विद्येश्वरी जी, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप लवली के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर रवैया अपना रहे। सा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं कैसे? आपका पहला नियम ही देखिए, आपकी सारी बहुएं उठती हैं 5 बजे लेकिन आप चाहती हैं कि लवली 4 बजे से जग जाए। वो ऐसा है सा कि अगर हम चाहते हैं कि लवली 5 बजे उठे तो वो तभी होगा जब हम उसे जल्दी उठने के लिए कहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि लवली 5 बजे नहीं उठ पाएगी? देखिए सा, अगर हमने उस छोरी को जरा सी भी ढील दी ना तो वो कभी भी सुधरने वाली नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि वो बिगड़ाए लड़की एक दिन जरूर सुधर जाएगी। मैं 4 बजे तुम्हें जगाने आ जाऊंगी। डोंट वरी भाभी, मैं खुद ही जाग जाऊंगी। काश ऐसा ही होता, मेरी नींद तो पूरी होगी। कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है मुझे बदलने की जरूरत है? और ये दिनचर्या घर में ही नहीं बहू नहीं बल्कि जेल में बंद किसी कैदी के लिए लगते हैं। क्या कर सकते हैं लवली, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कार्तिक, तुम अम्मा सा की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? लवली, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि इसे फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है कार्तिक, मैं मासा की दिनचर्या को ना नहीं कर सकती लेकिन मैं अम्मा सा की बात भी नहीं भूलूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मासा मुझे बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है, बहुत सख्ती बरत रही है मुझ पर। अब क्या करें, तुम 4 बजे का अलार्म लगा लो। लेट्स होप कि तुम अलार्म से उठ जाओ। ये लो, इसे कान के पास रख के सो जाना। कार्तिक, तुम कहाँ जा रहे हो? लवली, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ।
कि अगर मैं यहाँ पे रुक गया ना तो अपने प्रॉमिस को टूटने से नहीं रोक पाऊंगा। बस अब तुम जल्दी जल्दी माँ की परफेक्ट पांचवी बहू बन जाओ, उसके बाद। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और अलार्म लगा लेना अपने फोन पर। वो तो मैं लगा लूंगी, लेकिन मैं एक काम और भी करूंगी जो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। ओके, कुछ भी करना लेकिन उठ जाना। लवली, तेरी परीक्षा शुरू। दाइमा, आपको पता है मेरी सासू माँ ने ना मेरे हाथ में ऐसी स्ट्रिक्ट दिनचर्या दे दी है जो शायद जेल में बंद कैदी को भी नहीं मिलती होगी। बिल्कुल सजा है सजा। बेटा जी, हमें तो सुन के बड़ी घबराहट सी हो रही है। अगर आपकी सास ने ये ठान ही लिया है कि उनके कहे अनुसार चलने पर ही वो आपको अपनी बहू मानेंगी, तो बेटा जी जैसा वो कहती है वैसा आप जरूर करो। दाइमा, वो तो मैं करूंगी। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पहला नियम है ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो लवली सुबह 11 बजे उठती थी उसे अब 4 बजे उठना होगा। दाइमा प्लीज, आप मुझे सुबह उठा दोगे ना टाइम पे 4 बजे शार्प? हाँ बेटा जी, फिक्र मत करो, मैं आपको 4 बजे जरूर उठा दूँ। ठीक है दाइमा, अब मैं सोती हूँ, सुबह जल्दी उठना है ना। हाँ बेटा, जाओ सो जाओ जल्दी से। बाय। हाँ घड़ी पे अलार्म सेट हो गया है, फोन पे अलार्म सेट हो गया है, दाइमा से कह भी दिया है, और इन सब के अलावा मेरे अपना उपाय भी है जो कभी फेल नहीं हो सकता। अगर सब प्लान फेल भी हो गए ना तो ये कभी फेल नहीं होगा, है ना? देखिए, हमें आपसे कुछ कहना है। बताइए सर। आपने अपनी लवली बहू को जो एक दिनचर्या थमाई है ना, हो सकता है कि वो कठोर नियम उस बहू का कायाकल्प करने में सफल हो जाए, किंतु हमें विरोध इस बात का है कि यदि लवली असफल हो जाती है तो उसका दंड हमारी उन बेचारी बहुओं को क्यों, जिनका कोई दोष ही नहीं। उसके पीछे भी कुछ कारण है जो आप बाद में समझ जाएंगे। चलिए, यानी कि आपको अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है, मान लिया, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपकी ये योजना कि बहुओं को बिना गलती किए दंड देने की, इसका बहुओं पर कितना गलत प्रभाव पड़ सकता है? सा, हमें अपनी बहुओं पर पूरा भरोसा है, और ये बात वो अच्छी तरह से जानती हैं कि लवली के अंदर बदलाव की सख्त जरूरत है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी बहुएं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगी। ठीक है, हम आपके घर के मामले में दखल नहीं देंगे, लेकिन इतना अवश्य जानना चाहेंगे कि लवली यदि इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होती है तब फिर क्या होगा? सा, पहली बात तो ये कि कभी ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उस छोरी को सुधारने की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। वाह, बहुत अच्छा। परंतु मान लीजिए इसके पश्चात भी कार्तिक की पत्नी में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आप इस मुहिम में हार गई तो? नहीं सा, हम कभी नहीं हार सकते। अरे भाई, मान लीजिए कि अगर हार गई तो क्या होगा, तब आप क्या करें? तो उस स्थिति में कार्तिक और लवली परिवार से अलग होना, अलग होना, अलग होना।
आपको नहीं लगता कि आपका ये फैसला कौशिक परिवार के लिए कितना घातक है? हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सा, हम आपसे पहले भी एक बार कह चुके हैं कि हम अपने परिवार पर ये मुहावरा लागू नहीं होने देंगे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कौशिक परिवार का शुद्ध जल से भरा ये तालाब हम कभी दूषित नहीं होने देंगे, कभी नहीं। विद्येश्वरी जी, अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करिए, बहुत आवश्यक है ये। सा, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और आप इस पर ज्यादा मत सोचिए। बहुत रात हो गई है, सो जाइए। छोरी, क्या करूं मैं? लगता है ये छोरी अभी तक सोई पड़ी। ये देवी मैया, हमारे बेटा जी को जगा दो, नहीं तो उनकी सास तो उनसे और नाराज हो जाएगी। भी लवली उठ गई। मैंने उसे बोला तो था कि 4 बजे उठ जाए, लेकिन तब भी मुझे ही जाकर चेक करना पड़ेगा। इस लड़की पे ना ट्रस्ट नहीं हो सकता। पहले तो 5 बजे उठने में रोना आता था, अब इसकी वजह से 4 बजे उठना पड़ेगा। उठना तो पड़ेगा रिया, नहीं तो इसकी गलती की वजह से तुझे सजा मिलेगी। लवली, लगता है अभी तक सो रही है। देखा रिया, तू उठ गई, लेकिन इसे देखो, मुझे ही अंदर जाना होगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं उठेगी। सिखाने का टाइम हो गया, मैं 5 बजे तक सोने जा रही हूं, लेकिन तुम उठ के तैयार हो जाना, अंडरस्टैंड? महारानी अब तक आए क्यों नहीं? मुझसे भी ज्यादा टाइम लगा रही है तैयार होने। मैं ही जाकर देखती हूं। लवली कहाँ? मॉम जी, मैंने तो उसे 4 बजे उठा दिया था, बस आती ही होगी। मैं जाकर देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है,
हम आरती के लिए देरी नहीं कर सकते, कहना बहू जी। आज तो मैं गई। अरे मैंने तो ये नहीं समझ में आता कि कार्तिक ने अपनी मोटी को क्यों नहीं जगाया। अरे वो तो जॉगिंग के वास्ते कितने सवेरे सवेरे ही उठ जाता है ना? कार्तिक तो रूम में था ही नहीं। क्या मॉम जी ने जो मुझे टास्क दिया वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। अब देखना वो मुझसे कितना गुस्सा होगी, पता नहीं क्या पनिशमेंट देगी। इस महारानी की वजह से और क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे। रिया रिया तू शांत हो जा, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, लेकिन उससे क्या होता है। और मैंने तो ये नहीं समझ में आता कि कार्तिक ने अपनी मोटी को क्यों नहीं उठाया। अरे वो तो जॉगिंग के वास्ते कितने सवेरे सवेरे ही उठ जाता है ना? कार्तिक तो रूम में था ही नहीं। क्या कार्तिक कार्तिक अपने कमरे में नहीं था? तो ये 4 बजे कार्तिक कहाँ चला गया? अब सुबह 4 बजे मैं भी तो नींद में थी, मैंने पूछा ही नहीं। कार्तिक अपने रूम में नहीं था? आज तक मुझसे कोई और मिस्टेक नहीं, मुझे किसी चीज की पनिशमेंट नहीं मिली। लंदन के लाइफस्टाइल और यहाँ के रहन सहन में कितना फर्क है, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रगल किया, मैंने अपने आप को बदला, अपने आप को चेंज किया। और आज ये रिया, ये सब बातें छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। देखो मासा ये तो जानती है कि असली गलती किसकी है, और लवली को अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए। आपको ऐसे लगता है? क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो रिया ये सब मत सोचो, मासा ने ये भी कहा है कि अगर लवली गलती करेगी तो दंड हम सबको मिलेगा। वो कहते हैं ना रिया कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है, बस यूं समझ लो कि हमारी स्थिति वैसी ही है। क्या पिसता है, क्या बोला, what does that mean? रिया तू वो सब अभी छोड़, अभी तो बस इतना सोच कि अगर ये प्लेट्स टाइम पे टेबल पे नहीं लगी तो क्या होगा। हाँ रिया सिमरन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जल्दी से टेबल पे प्लेट लगा दो, ये बातें बाद में कर लेंगे। हाँ रिया को भी ना बस अपनी ही पड़ी है, जरा सोचो मम्मी जी लवली का क्या हाल करेंगे। और कार्तिक सुन मेरी बात सुन, तुझे ना एक अच्छे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए,
उसको सवेरे जल्दी उठने में मदद करनी चाहिए। कल से यही करूंगा। और पहले उसे आज तो उठा, अब तक अपने रूम में सोई पड़ी हुई है। लवली अब तक सो रही है? टाइम क्या हुआ है? 8:15। कार्तिक, मैं क्या कह रही थी, तुड्डे और लवली के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? नहीं, वो नहीं नहीं, वो इसलिए ना, तू सवेरे 4 बजे अपने रूम में नहीं था ना? भाभी, आप तो मेरी प्रॉब्लम समझती है ना। जब तक माँ लवली को अपनी बहू नहीं मान लेती, तब तक मैं कैसे अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ? बस भाभी, यही सोचकर मैं उससे अलग सा रहता हूँ। कार्तिक, सोच तो तेरी बड़ी चंगी है। अगर तुम लोग इस तरह अलग अलग रहोगे तो घर में कितने सारे लोग हैं, सबके मन में कितने सवाल उठेंगे ना। देख कार्तिक, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना भगवान और वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। देखना, सब कुछ बहुत जल्दी चंगा हो जाएगा। हाँ, क्या चंगा हो जाएगा भाभी? मुझे तो लगता है ना, लवली कभी सुधरेगी ना, माँ उसे कभी अपनाएगी, और ना ही कभी हम पति पत्नी की तरह साथ रह पाएंगे। ओए कार्तिक, सुन मेरी बात सुन। मैंनू मालूम है चुटकी बजाते वाकई सब कुछ ठीक नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी तुझे ना एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसको सुबह जल्दी उठने में मदद करनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ भाभी, आप ठीक कह रहे हैं। कल से यही करूंगा। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? वो पहले उसे आज तो उठा, अब तक अपने रूम में सोई पड़ी हुई है। लवली अब तक सो रही है? टाइम क्या हुआ है? 8:15। 8:15 बज गए। सवेरे का रूल तो तोड़ी दिया है, आरती पे भी नहीं पहुंची। ओ, मुझे लगता है कि नाश्ते के टेबल पे पहुंचने वाला रूल भी ना तोड़ पाए। ये क्या कर रही है? ओ, तू ये सब छोड़, तू जल्दी जा और उसे उठा जाके। भाभी, मैं उसे ना अभी ठीक कर। ओए कार्तिक सुन, मैं क्या कह रही थी, ज्यादा सख्ती से पेश मत आना, वैसे ही मम्मी जी के इतने सख्त रूल है, और अगर तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? कार्तिक, मैं क्या कह रही थी, तो ये नियम के मामले में तू मम्मी जी से क्यों नहीं बात? ओके ठीक है, तू जा, नहीं तो नाश्ते के टेबल पे लेट हो जाएगी। कौशिक की 5 बहुएं।